कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो से खास बातचीत की है। उनके इस प्रभार को लेकर क्या कुछ रहेगा उनका कार्यकाल, कैसे वे संभालेंगे झारखंड, इन तमाम विषयों पर बातचीत की हमारे दिल्ली से संवाददाता अमर ने। झारखंड के लिए एक नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, हमारे साथ हैं केशव महतो। कमलेश जी, सबसे पहले तो न्यूज 11 की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। जो अध्यक्ष, जो अभी स्थिति है कांग्रेस पार्टी का, खास करके अगर आप झारखंड की अगर बात करें, चुनाव सर पे है और आपको अभी मौका दिया गया है आपके कंधों पर, क्या अनुभव का फायदा होगा या फिर आपकी प्राथमिकता जो होगी वो क्या होगी? निश्चित रूप से सर्वप्रथम मैं अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे संगठन मंत्री वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता और सोच समझ के साथ एक गांव के किसान के बेटा को, एक जुझारू और बराबर पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता को ये प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है। निश्चित रूप से मैं संगठन के हित में और पार्टी के हित में जिस तरह से बराबर कार्य करते आ रहा हूं, इस बार भी इस दायित्व को एक कार्यकर्ता के नाते मैं इसको निभाने का प्रयास करूंगा। कहा जा रहा है कि संगठन बिल्कुल नदारद है झारखंड में कांग्रेस का, और चुनाव भी है सामने पर, तो आप कैसे इसको लेकर चलेंगे? जिन लोगों का कहना है कि संगठन नदारद है, मैं उसे नहीं मानता हूं। हम लोगों का संगठन सशक्तिकरण को लेकर जो अभियान चला था और प्रदेश स्तर पर हमारा संगठन का ढांचा खड़ा है, जिला स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, पंचायत बूथ स्तर पर हम लोगों ने संगठन को खड़ा करने का काम किया है, और ये संगठन को अब इस नई चुनौती को देखते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए और अधिक सक्रिय और धारदार गतिशील बनाने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग सभी मिलजुल कर करने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी ये भी होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था पिछले बार हमें 31 सीटों पर चुनाव लड़े और 3 हमारे ऐड हो गए हैं, 3 विधायक जो एक बीजेपी से आए, जेबीएम से आए 2 लोग, तो अब कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्राथमिकता तो आपको तय करनी है। ये निश्चित रूप से ये हाई लेवल की मीटिंग में ये सारे विषयों पर चर्चा के पश्चात तय होती है। गत बार हम लोग लड़े थे 31, उसके बाद फिर 2 हमारे मांडर और पड़ईहाट के माननीय विधायक हम लोगों के साथ आए, उसके बाद अभी मांडू के माननीय विधायक जयप्रकाश जी हम लोगों के साथ आए। इस तरह से ये स्वाभाविक रूप से ये तो हम लोगों का दावा बनता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि ये हमारे विधानसभा के सीटों में कहाँ किसका मजबूत संगठन है, कौन आदमी वहाँ कार्यकर्ता जीत सकता है, इसकी भी संभावना को देखते हुए हम लोग इस पर स्क्रीनिंग समिति में विचार करने का प्रयास करेंगे। प्रभारी ने कहा था कि मैं 37 सीटों पर दावा करूंगा और मैं जेएमएम से बात करूंगा। निश्चित रूप से माननीय प्रभारी जी ने बहुत सोच समझ के ये बातों को कहा है, इसलिए हम लोग उस पर निश्चित रूप से बैठक में दावा कर सकते हैं। आप पिछले बार 18 सीट चुनाव जीते थे, अब आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ाएंगे उस आंकड़े को? निश्चित रूप से संगठन काफी सक्रिय हो गया है, काफी मजबूत है, और सभी मिलजुल करके हम लोग इस आंकड़ा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार बनाएंगे? निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी। शुक्रिया न्यूज 11 से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो जिम्मेदारी दी गई है राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, उस जिम्मेदारी को बखूबी हम निभाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।